अब सुनिए तो, बात तो सुनिए, आपको हनुमान चालीसा पूरी आती है मैडम? ये बागी सरस्वत को पूरी आती है? सुनने के लिए नहीं, असीम बकार से सुनाने के लिए है। असीम बकार अपने घेरे बंद में झांक करके नहीं देखेंगे। एक सेकंड रुक जाइएगा बागी जी, बागी जी, बागी जी, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, बागी जी, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, बागी जी, प्लीज, प्लीज बागी जी, अगर किसी ने, एक सेकंड रुक जाइए बागी जी, प्लीज, मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहती, एक सेकंड, असीम बकार, जब अब जो मैं आपसे कहूंगी ध्यान से सुनिएगा, जब मैं चेयर पर आती हूँ, जब मॉडरेटर बनकर आती हूँ, तो अपने रिलीजन को बाहर छोड़कर आती हूँ, लेकिन क्योंकि आपने मुझसे सवाल पूछा कि मुझे हनुमान चालीसा आती है, आई एम वेरी सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, मुझे नहीं कहना चाहिए, खासतौर पर इस बात में यकीन करते हुए कि मेरा रिलीजन एज अ मॉडरेटर मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है और मैं अपने रिलीजन को अपने एंकरिंग में लेकर नहीं आती हूं, बट स्टिल टू आंसर योर क्वेश्चन, जस्ट टू फैक्चुअली करेक्ट यू, आती है, रोज जाप करती हूं, रोज पाठ करती हूं, लेकिन उसके लिए मुझे आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। पलट कर मैं आपसे ये सवाल जरूर पूछ सकती हूँ, मुझे सुनाने की आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये हनुमान चालीसा के पाठ के लिए शो का आयोजन नहीं किया गया है, उसके लिए जाइए सड़कों पर और अपने ओपोनेंट से लड़िए। आपसे कहूं कुरान सुनाइए मुझे पूरी, कहूं आपसे, और चलिए आप ही सुना दीजिए, अभी बहुत लेक्चर दे रहे थे हनुमान चालीसा पर, आप ही सुना दीजिए पूरा। नहीं मैडम, मैं हाफिज़े कुरान नहीं हूं, कुरान 30 पारों का है और आजान अगर कहिएगा तो मैं सुना दूंगा। दूसरी बात, आप लड़िए नहीं, आप नाराज होया थी तो लगता है जैसे आपको अगर दुरुस्त करना, आदिति त्यागी हाइपर हो गई, नहीं एक सेकंड सैयद असीम वकार, कुछ गलत हो गया इनके साथ, नहीं नहीं सैयद असीम वकार, आप मेरी लड़ाई की चिंता मत कीजिए, आप नाराज ना हुआ आपसे लड़ने की मुझे जरूरत नहीं, एक मॉडरेटर को क्षण लगता नाराज होना, आप अपने ओपोनेंट से लड़िए, आप अपने ओपोनेंट से लड़िए सर, ठीक है, मुझे अपने पैनलिस्ट को कंट्रोल करना भी आता है। सैयद असीम वकार, सैयद असीम वकार, पहला दिन नहीं है आपका मेरे शो पर, ये पहला दिन नहीं आपका मेरे शो पर, और मैं आपको याद दिला देती हूँ, आपको वापस मुद्दे पर लाना, आपको पटरी पर लाना, ये अदिति त्यागी का दायित्व है, अदिति त्यागी का दायित्व है उन करोड़ों दर्शकों के लिए जो इस डिस्कशन को देखते हैं, आप भटकेंगे तो आपको मैं मुद्दे पर लेकर आऊंगी, ठीक है, और आप मेरा रिलीजन अगर इस डिस्कशन में लेकर आएंगे तो रिलीजन में बाहर छोड़कर आती हूं, वो एंकर्स अलग होंगे जो धर्म का डंका पीटते हैं, जो धर्म का डंका पीटते हैं, इसके लिए आप मुझसे फोन कॉल पर बात कीजिएगा, पूरी हनुमान चालीसा सुनाऊंगी, ध्यान से सुनिएगा और रिकॉर्ड कर लीजिएगा, उसके बाद जो सोशल मीडिया कराते हैं ना शो के बाद उसमें डाल दीजिएगा, राजीव जेटली। अब क्या पता।